मंडली के अंदर बात कर रही थी हमारे शीर्ष नेतृत्व से। उन्होंने मेरे को ये कहा कि ये बरसात के मौसम में आप लोग ये यात्रा कर रहे हो, ये यात्रा कहां तक चलेगी? मैंने कहा जिस क्षेत्र के अंदर मैं जा रही हूं, मैं जानती हूं कि अगर वहां बरसात आई तो जनता भी और हम लोग भी उस बरसात में खड़े होकर भीग के मौज मस्ती करेंगे और ये याद करेंगे ईश्वर ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। इसलिए आज मैं तो सरदार शहर के अंदर जो मुसीबतें हुई है उनके ऊपर एक बार हाथ लगाना चाहूंगी। सबसे पहले 1951 की जनसंख्या के आधार के ऊपर एक अपनी पेयजल योजना यहां अपन ने शुरू की थी और जनसंख्या वृद्धि के कारण आज जिस तरीके से पानी आप लोगों के बीच में पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंच रहा है और मैं समझती हूं कि इसका समाधान करना ये बहुत जरूरी है, किसी भी सरकार को उसको करना भी चाहिए और इसीलिए इनको पुराने जो जल स्रोत है उनको ठीक करके उनको पुराना फिर से शुरू करने का काम अगर हमारी सरकार आती है तो ये जरूर करेगी ताकि आपको एक्स्ट्रा पानी ये भी मिलेगा, जानवरों के लिए भी मिलेगा और शुद्ध पानी का काम करने का ये काम हम लोग जरूर करेंगे। आपको ये ध्यान दिलाऊंगी कि पानी की अव्यवस्था के साथ साथ बिजली की भी जोरदार अव्यवस्था है ना? जैसी और जैसी बिजली मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। अभी मैं देख रही हूं कि बिजली 53% उसके दाम बढ़े हैं पिछले 4.5 साल के अंदर और ये भी बता दूं आपको कि घरेलू बिजली तो 3 बार बढ़ी और जो बिजली घरेलू नहीं है उसके अलावा है वो 5 बार बढ़ी है। और सबको मैं कहना चाहती हूँ कि किसान उसके बारे में रो रहे हैं, जहां भी मैं गई उन्होंने मेरे को ये चला के कहा कि 3 या 4 घंटे बिजली मिल रही है, किसान आगे अपना काम नहीं कर सकता है। जिस तरीके से आपके समय में 8 घंटे बिजली मिला करती थी, अगर इसकी व्यवस्था हो जाती है तो किसान आगे चलते कुछ होगा, ये आप हमारे ध्यान रखें। मैंने सबको कह दिया कि पहली बार हम लोगों ने महिलाओं के लिए अलग से बिजली का इंतजाम किया था, बिजली 24 घंटे महिलाओं को घर में पहुंचे ऐसी घरेलू बिजली का हमने इंतजाम किया था। 2008 के अंदर जब सरकार छोड़ के हम लोग जा रहे थे तो ऐसे समय में 18 से 20 घंटे बिजली हम लोगों ने सबको देना शुरू कर दिया था। मैं माताएं बहने जहां भी हो आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि सरकार अपनी आती है तो 24 घंटे घरेलू बिजली आप लोगों को मिलने का इंतजाम हम लोग करके छोड़ेंगे। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ढाणी की बिजली जहां 300 घर है ऐसी ढाणियां बहुत है, इन ढाणियों के अंदर 1 लट्टू जलाने का काम ये हम लोगों ने अपने हाथ में लिया था परंतु दिल्ली और केंद्र की तरफ से इसके लिए जितना पैसा आना चाहिए था वो नहीं आया। और मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ और वहां तक ये खबर पहुंचे कि अगर दिल्ली की सरकार हमें पैसा नहीं देती है, नहीं भी देती है, तो हम इन ढाणियों को जहाँ 300-300 मकान है ऐसी जगह के ऊपर बिजली देने का काम करके छोड़ेंगे। उसमें भी इन लोगों को मैं सबको कहना चाहूंगी, मुझे मालूम है कि जिस तरीके से आप लोगों को 72 घंटे के अंदर हम लोग ट्रांसफॉर्मर बदल करके आप लोगों का सुविधा देते थे वो आजकल नहीं होता है। अगर ट्रांसफॉर्मर बिगड़ गया तो मुझे बताया जाता है कि एक महीना लग जाता है, कभी कभी 2 महीने लग जाते हैं और बिना रिश्वत का कुछ नहीं पहुंचता। क्या ये सही है? और वो भी छोटा मोटा रिश्वत नहीं, 20 से 25 हजार का रिश्वत जब किसी को मिलता है तो ही आप लोगों के ट्रांसफॉर्मर ठीक करके वापस आते हैं। ये सही है क्या? इस चीज को भी बदलना है। और एक कोई BCR नाम की चीज है उसमें पेनल्टी लगती है, आप लोगों के बीच में जा जाके और पेनल्टी का इंतजाम करके जोरदार बिल कभी कभी 2 लाख के कभी कभी 3 लाख के बिल को हमारे किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं। मैं सबको ये वार्निंग दे रही हूँ, जो अधिकारी इस तरीके से गड़बड़ कर रहे हैं इंक्वायरी होगी, सरकार अपनी आएगी तो इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी होने के बाद अगर किसी ने बदमाशी की है तो वो पैसा लाके वापस उन लोगों को उन उपभोक्ताओं को वापस दिलवाया जाएगा जिनसे चोरी के तौर पे इन्होंने लिया है। ये सब तो वार्निंग में दे रही हूँ। इसके साथ साथ 4-4 घंटे बिजली की अघोषित कटौती सब दूर,
लोगों के अंदर त्राई त्राई मची हुई है और लोगों ने मेरे को बार बार यही कहा कि बिजली संकट के समाधान के लिए हम लोगों को एक जीएसएस बनाने का काम अगर आप करोगे तो हमें उसका फायदा मिल जाएगा। मुझे समझ में नहीं आता कि 4.5 साल इस सरकार ने कहां छोड़ दिए, क्यों नहीं अभी तक इन सब चीजों की व्यवस्थित तरीके से पूरे राजस्थान के अंदर बिजली का इंतजाम किया। मुझे बहुत दुख होता है क्योंकि जब मैं आई थी तो मेरे को एक बीमारू प्रदेश मिला था। इस बीमारू प्रदेश के अंदर मुखिया रोज ये कहता था कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना खाली है, याद है, खजाना खाली है। मुझे याद है कि जब सरकार हमको मिली तो खजाना तो खाली था, परंतु आप मुझे बताइए किसी को भी किसी चीज की कमी हुई क्या? आपने जो मांगा वो देने की हम लोगों ने कोशिश की। और मुझे लगता है राजेंद्र जी वगैरह बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि जो ये सड़क बनी आपको याद है जिसको मेगा हाईवे कहा जाता है, कभी कभी आप लोग उस मेगा हाईवे पे चलते हो तो हम लोगों की याद तो करते होंगे, करते हैं ना। एक तरफ तो वो मेगा हाईवे, एक तरफ अटल जी वाली हाईवे और दूसरी तरफ अभी जो सरकार बना रही है, जहां जहां बनाती है आगे आगे बनता जाता है, पीछे पीछे से उखड़ता जाता है। और लोगों ने मेरे को ये कहा कि बरसात आएगी ना तो ये जो नए सड़क है वो सब के सब उखड़ के बिक जाएंगे और फिर से पैसा खर्च करने का, क्योंकि इसी में है भ्रष्टाचार। पूरे जोरदार तरीके से राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार के अंदर इस कांग्रेस ने पूरी तरह से लिपटी हुई है। और मैं मानती हूँ कि मुखिया से लेकर नीचे तक अगर इस सरकार ने आप लोगों के साथ इस तरीके से बात किया है 4.5 साल से यही काम और कोई काम नहीं किया है, तो मैं समझती हूँ कि इस सरकार को उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक नहीं है और जनता उसको सामने आके देखेगी। खाली ये पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे बच्चे बड़े होते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं क्षेत्र के अंदर? सबसे पहले सामुदायिक अस्पताल आपके क्षेत्र के अंदर है, मैंने देखा उसके पद सब खाली हैं। जननी सुरक्षा के अंदर 3 साल के अंदर इतना सारा हल्ला मचा के रखा है कि जननी सुरक्षा के लिए हमने ये सब काम किए हैं, परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब यहाँ महिला डॉक्टर ही नहीं है तो इसकी बात करने से मतलब ही क्या है? महिला डॉक्टर नहीं है माता बहने और यहाँ बात कर रहे हैं जननी सुरक्षा योजना की, क्या मतलब है जब महिला डॉक्टर ही नहीं? इसी तरीके से पहली दफा ये ऐसी सरकार है जिसने स्कूल खोले नहीं, स्कूल किए बंद, समाजीकरण का लिया नाम और उन्होंने जगह जगह पे स्कूल बंद करना शुरू कर दिया। मैं कहती हूँ कि जहाँ टीचर है वहाँ बच्चे नहीं है, स्कूल नहीं, जहाँ बच्चे है वहाँ टीचर नहीं। और हम लोगों ने चला के इन ढाणियों के अंदर स्कूल खुलवाने की कोशिश की थी, क्योंकि हमने कहा कि 10-10, 15-15 किलोमीटर दूर ये लोग नहीं आ सकते, गरीब लोग हैं, तो उनके क्षेत्र के अंदर ही स्कूल खोल देंगे और उनको वही टीचर पहुंचा के मदद करने की कोशिश करेंगे। आज वो समानीकरण के नाम से स्कूल बंद हो रहे हैं और न कॉम्पिटिशन में बैठने की सुविधा मिलती है। आज मैं आप लोग सबको कहना चाहती हूँ कि हमारे समय के अंदर अगर हम लोगों ने 10 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया हमारे टाइम में सरकारी और गैर सरकारी, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इस 4-4.5 साल के अंदर एक नौकरी भी नहीं दी है, क्यों ऐसा हुआ? क्यों नहीं लाखों की तादाद में हमारे बच्चों को नौकरी देने का हमने इंतजाम किया? जहाँ मैं देखती हूँ कि जो टीचर बनने के लिए बेचारे आते हैं उनको एक एग्जाम लगा दिया है कोई टेट करके, वो टेट का एग्जाम वहाँ हो जाता है, उसकी वजह से ये बीएड के बच्चे अटक जाते हैं और इधर 10वीं के पास वाले बच्चों को आपने लाइन में लगा दिया है। सबको मैं कहना चाहती हूँ कि ये टेट वाला एग्जाम अपन हटाएंगे और जो पहले पूरी व्यवस्था थी उस व्यवस्था को लाने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी का और रोजगार का फायदा वहां मिल सके। आपके इस शहर के अंदर मेयर साहब यहाँ बैठे हुए हैं, सीवरेज योजना स्वीकृत करके पालिका को बजट हम लोगों ने आवंटन किया था। वर्तमान सरकार द्वारा इतनी कछुए चाल से वो काम कर रहे हैं कि जो काम पहले खत्म कर दिया जाना चाहिए था 4.5 साल के अंदर, आज वो फिर भी खत्म नहीं हुआ है। और मैं समझती हूँ कि अगर वो खाली 10% हुआ है तो इस 5 महीने के अंदर तो पूरा होने वाला नहीं है। मैं ये भाई आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि सरकार के पास पैसा उसकी कोई कमी नहीं, हर एक स्कीम जो हमने दी थी हर एक स्कीम के साथ हमने पैसा जोड़ दिया था,
इच्छा भी था, सब कुछ भी था, पर इच्छा शक्ति नहीं थी। और इस वजह से जो काम 2 साल 3 साल के अंदर खत्म हो जाने चाहिए थे, आज वो लटके पड़े हुए हैं और कुछ की वजह से हमारा क्षेत्र आगे ही नहीं बढ़ पड़ रहा है। सब लोगों को ये लग गया कि ये तो 10% कार्य तो हुआ ही हुआ है, और फिर उसके साथ साथ आपने अगर भ्रष्टाचार जोड़ दिया तो फिर आगे क्या होने वाला है। राजस्थान के अंदर कांग्रेस भ्रष्टाचार के सिवाय और कुछ नहीं कर रही है। रॉबर्ट वाड्रा आए तो रॉबर्ट वाड्रा तो आप जानते हो कौन है, जानते हो ना, जानते हो ना सब लोग, हाँ, ये देश का दामाद कहलाया जाता है। वो आए, उन्होंने कह दिया कि हमको बीकानेर के अंदर और जैसलमेर के अंदर, बाड़मेर के अंदर जमीन की जरूरत है, जितनी जमीन चाहिए उनको दे दी। यहां हमारे गरीब किसानों को तो हम जमीन नहीं दे सकते, परंतु रॉबर्ट वाड्रा को तो हम जमीन दे सकते थे और उनको जमीन दी भी। उन्होंने अपनी जमीन बहुत मैंने बेशुमार पैसों के लिए बेची, उनने बहुत सारा पैसा कमाया और वहां से राजस्थान से वहां निकल के चले गए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये कांग्रेस को किसने हक दिया है कि वो हमारे राजस्थान को गड्ढे में डाल दें और उस गड्ढे के अंदर हम तो पड़े रहे और हमारे ऊपर इस तरीके से मौज मस्ती वो करें। मैं सबको कहना चाहती हूँ कि देख लीजिए मध्य प्रदेश में 10 साल के अंदर कितना फर्क हो गया है, वहां 15 साल के अंदर गुजरात के अंदर कितना फर्क हो गया है, और राजस्थान के अंदर 65 वर्ष में से अगर मेरा समय और भैरव सिंह जी का समय निकाल दो तो 53 साल के अंदर किस तरीके से राजस्थान के साथ लूटपाट मचा के हमको गड्ढे में डालने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। मैं पूछना चाहती हूँ भाइयों, आपने 53 साल उनको दिए, 53 साल के बाद भी अगर ये नहीं कर सके तो क्या उनको उस कुर्सी पे बैठने का कोई हक है? आप उनको बैठने देंगे? चलो मैं और प्रश्न पूछ लूं आपसे। दिल्ली के अंदर, जयपुर के अंदर मेरे को ये बताया गया कि राजस्थान के अंदर हमारे अच्छे अच्छे स्कीम चल रहे हैं। ये बताया गया कि किसानों को पाला जब हुआ, जब फसल नष्ट हुई तो हमने बहुत अच्छे मुआवजे के पैकेज दिए। आपको पैकेज मिला? नहीं मिला? नहीं, दो दो में 2012 का ही नहीं, दो दो पैकेज बचे हुए हैं। मैं पैकेज आप लोग के बचे हुए पड़े हैं वो मेरे को मालूम है। किसानों को ये कह दिया कि हमने बिना ब्याज का ऋण दे दिया, सहकारिता में जो मिलता है आपको 1,50,000 का, मिला किसी को? अच्छा बताओ, आपके मुफ्त दवाई कहीं मिली, मुफ्त जांच कहीं हुआ? 1 किलो के हिसाब से किसी को गेहूं मिला? नहीं, आप तो सब चीज पे नहीं बोल रहे हो, ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो अच्छा काम किया होगा कि इतना ही कुंभकर्ण की नींद ले रहे थे, ये इतनी कुंभकर्ण की नींद ले रहे थे, 4.5 साल के अंदर कुछ नहीं कर सके तो हम इनको गाय को बिठा के रखेंगे। अभी निवेश की बात मैं कर रही थी, यहाँ बिजनेस भी होता है आप लोगों के यहाँ। जयपुर को और राजस्थान को लोग छोड़ छोड़ के, उद्योगपति छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इतना जोरदार भ्रष्टाचार है, बिजनेस का बिल्कुल कामने वो बनाए वातावरण ही नहीं बना के रखा है, ऐसी जगह में हम कहां फैक्ट्री लगाएंगे और क्यों फैक्ट्री लगाएंगे। और हम कहते हैं कि अगर फैक्ट्री लगेगी तो आगे आने वाले समय के अंदर नौकरी और रोजगार का मैंने एक मौका मिलेगा हमारे बच्चों के लिए, इसीलिए वो फैक्ट्री आना, उद्योगपतियों का आना ये बहुत जरूरी है। परंतु उन्होंने चला के हमको ये कहा कि जब राजस्थान का विकास दर बिहार से कम हो गया, बिहार का विकास दर आज 16% और राजस्थान का विकास दर 5% पे आ गया है। अब आप समझ लो भाइयों और बहनों कि हमको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अगर हमको राजस्थान को उस लेवल तक ले जाने की जरूरत है। ऐसी स्थिति बना के रख दी है कि किसानों के लिए मुसीबत, बच्चों के लिए मुसीबत, महिलाओं के लिए मुसीबत, राजस्थान कहां जाएगा और कैसे जाएगा इसके बारे में कोई नहीं सोच रहा है। आज मैं आप लोगों को यही कहने आई हूं कि ये राजस्थान का आखिरी मौका हम लोगों को देना है। हमने इनको बहुत समय दे दिया, ये जब भी इलेक्शन होता है तो हमारे और आपके बीच में झगड़ा कराने की कोशिश करते हैं, जातियों को लड़ाते हैं, मजहब को लड़ाते हैं, और उस लड़ाई में ही उनका फायदा है। हमने भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कहा सब 36 के 36 कौम हमारे हैं, हमारे सब मजहब है और इनको परिवार मानते हैं। इन परिवार को अगर हम जोड़े, इनको एक प्यार के धागे से बांधे और सबको साथ लेके आगे चले तो कोई राजस्थान के विकास को रोक ही नहीं सकता है, यह मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहती हूं। आज राजस्थान का विकास अवरुद्ध है,
वो इसलिए अवरुद्ध है कि कांग्रेस पार्टी ने हमको बांट के रखा है, किसी को इस तरफ तो किसी को उस तरफ ऐसे बांट के रख दिया है कि उनको मालूम है कि विकास का काम जब आएगा तो यहाँ होगा नहीं राजस्थान के अंदर, और जेब भरने में माहिर है तो जेब भर के वहां से ले जाएंगे। अब नहीं, उनकी बेटियों की शादियां करा दी, उनके हमने घर बना दिए, बहुत कुछ कर दिया, अब समय आ गया अपने लिए काम करना है। एक ऐसा राजस्थान बनाना है जिस राजस्थान को इतिहास के लोग जानते थे, इतिहास में लिखा जाता था इस राजस्थान के बारे में, बाहर से लोग आते थे इस मिट्टी को देखने के लिए, छूने के लिए। आज लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा चेन खिंचती है तो वो राजस्थान में, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है तो वो राजस्थान में, एससी और एसटी के साथ अत्याचार होता है तो वो राजस्थान में। ये राजस्थान का नाम कलंकित करने का काम इस कांग्रेस पार्टी ने किया है, और राजस्थान के स्वाभिमान के साथ अगर कोई भी छेड़छाड़ करेगा तो मैं समझती हूँ कि हम सबसे बुरा कोई नहीं होगा। और इसीलिए ये हमारी इज्जत की, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है, और इस इज्जत और स्वाभिमान की लड़ाई के एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। इस लड़ाई को हम मिलकर लड़ेंगे, और बताओ मुझे हिम्मत है तो साथ में लड़ने की तैयारी है क्या? जो आपके बीच में आएंगे आपको पहले तो लुभाएंगे, बड़ी रेवड़ियां बट रही हैं आजकल, और वो कहते हैं कि आप ये कह के अपमानित कर रहे हैं लोगों को। मैंने कहा आपने कलंकित कर दिया राजस्थान को, स्वाभिमान राजस्थान का टूट लिया, और अब रेवड़ी बांट के कह रहे हो कि हम कलंकित कर रहे हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये सब रेवड़ी बटेगी, आपको क्या चाहिए बता दो, ये रोड स्टेटमेंट आते हैं, बता दो और वो हम दे देंगे। सोने का महल वो भी मिल जाएगा, दूध की नदी वो भी मिल जाएगी, परंतु पहले वोट डाल देना, उसके बाद फिर देखा जाएगा। ये है, ये याद रखना। और मैं इसलिए आपको कह रही हूँ कि इन चीजों में अपने को नहीं पढ़ना, जो 4.5 साल में नहीं हुआ वो रेवड़ी बटने से 4 महीने में नहीं होने वाला है, और वो आने वाले 4.5 साल में क्या होगा, कहीं गलती से हमने गलती कर दी तो। इसलिए मैं सबको कह रही हूँ कि 53 साल हमने देख लिया, कुछ नहीं कर पाए, रिकॉर्ड अपने सामने है बिल्कुल ही जीरो। इसीलिए अब हम लोगों को अपने हाथ में बांट लेनी है। मैंने आपको तब कहा था जब सरकार के शपथ हम लोगों ने ली थी कि हम लोगों ने यह शपथ ली है आपकी सेवा के लिए, राज करने के लिए नहीं, आपके साथ चलने के लिए, आपके परिवार के अंदर जुड़ने के लिए, और आपके इस प्यार को हम कर्जदार, हम तो कर्जदार मानते हैं अपने आप को, क्योंकि आपने अपने इस कर्ज से हम लोगों को बहुत दबाया है। और अगर मुझे लगता है कि सरकार कभी भी अपने को मिलती है तो हमारी तो कोशिश ये होगी कि ये कर्ज को किसी भी तरीके से सेवा करके मिटाने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। आप तो बस प्यार देते रहो, आपका प्यार रहे, आपका साथ रहे, आपका विश्वास और आशीर्वाद बना रहे, हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। ये परिवार साथ में चलेगा तो राजस्थान को एक नया राजस्थान हम बना के छोड़ेंगे, एक ऐसा नया राजस्थान जिस राजस्थान के अंदर जो सपने हमने देखेंगे उनमें से कुछ तो सपने हम पूरा करके रखें, ऐसा राजस्थान जिसमें हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और उनको रोजगार मिलेगी, उनको पलायन करने की जरूरत नहीं होगी, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारी महिला सुरक्षित होगी और स्वाभिमान और इज्जत के साथ चल पाएगी, एक ऐसा राजस्थान जहाँ व्यापार होगा, जहाँ फैक्ट्री लगेगी, जहाँ उद्योग लगेगा और जहाँ नौकरियों और रोजगार का एक मौका मिलेगा, एक ऐसा राजस्थान जिसमें हमारा किसान उसको समय पे बिजली, समय पे पानी, समय पे खाद, समय पे बीज, और जब वो फसल लेके जाएगा तो बाजार के अंदर सही दाम, ऐसी व्यवस्था हम लोगों को बिठाने का काम करना है। चलो तैयार हो तो बताओ, काम कठिन है पर हम लोग अगर सब मिलकर करेंगे तो मैं विश्वास करती हूँ कि राजस्थान को एक नया राजस्थान बना के विकास के पथ पे ले जाने का काम हम लोग करेंगे। तो इसीलिए अगर तैयार हो तो सब लोग अपनी मुट्ठी बंद करके ऊपर करो। और मैंने मुट्ठी क्यों बंद करवाई, क्योंकि मैंने कहा कि ये तो वो खूनी हाथ है, ये वही हाथ है जिसने अत्याचार किए हैं, ये वही हाथ है जिसने गले दबाए हैं, ये वही हाथ है जो आज भी आपके जेब को काट रहा है। इसलिए मुट्ठी बंद करके और दोनों हाथों पर करके मेरे साथ एक जोरदार नारा, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और एक जोरदार नारा राजस्थान के लिए, जय जय राजस्थान, जय
मैं जय राजस्थान। आपने कह दिया मुझे कि तैयारी है, तो मैं तो चलने को तैयार हूँ, चल ही रही हूँ। और ये पांचवा संभाग हम लोगों ने अब शुरू किया है। मैं समझती हूँ कि तीन संभाग हमारे और भी कंप्लीट करने के हैं। हम लोग मिलके इस नया राजस्थान बनाएंगे, यही विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ने वाली हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी और बहुत सारा प्यार आप सबको, बहुत सारा प्यार, बहुत ही सारा प्यार। मैं बहुत सारी बातें मेरे सामने कही है। सबसे पहले तो आपका एक कॉलेज का था, आप तो भूल रहे हो, मैं याद रख रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ कि राजकीय महाविद्यालय को आपको अपग्रेड करना है, वो हम करेंगे। पीजी करना है वो तो करेंगे। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर साधनों का, आवागमन के साधनों का अभाव है। पंचायत मुख्यालयों को ग्रामीण बस सेवा से जोड़ना उन्होंने प्रॉमिस किया था, आपको वायदा किया था, परंतु नहीं किया। इस चीज को हम पूरा करेंगे, यह आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं। और फिर वो कह रहे हैं कि हमारा 100 बेड का हॉस्पिटल भी जोड़ दो। मैं समझती हूँ कि इतना बड़ा काम तो है नहीं, अब ये तो मैं अपने पैर में देखने करूंगी, परंतु वो 100 बेड का हॉस्पिटल का सभी अपन पूरा करेंगे। 100 बेड का हॉस्पिटल सब लोग कह रहे हैं, फिर से कह दो। मैंने कहा ये सब लोग सुन रहे हैं, 100 बेड का हॉस्पिटल तो कर ही देंगे, उसको क्या प्रॉब्लम है। तो ये सबको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद और बहुत सारा प्यार। और आप लोगों ने कह दिया कि आप तैयार हो इस सुंदर से मौसम में, जब सब लोग खुश हैं एक दूसरे के साथ, हम लोग एक दूसरे के लिए संकल्पित होकर चले कि ये परिवार आगे बढ़ेगा और राजस्थान को विकसित बनाने के लिए हम लोग सब चल पड़ेंगे, साथ चल के इसको करेंगे। तैयार हो तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद, सबको धन्यवाद।